सवाल है, अगर सर के ऊपर कपड़ा ना हो तो वजू हो जाता है? हो जाता है। हमारे यहाँ तो ये तसव्वुर है ना कि सर से दुपट्टा उतरा तो वजू टूट जाएगा, या ये है कि अगर कपड़े चेंज किए तो वजू टूट जाएगा। तो कपड़े चेंज करने से और सर के दुपट्टा उतरने से वजू नहीं जाता, और उसके लिए यही दलील है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के बाद वजू नहीं किया करते थे, क्योंकि गुस्ल शुरू होने से पहले सब कुछ इस्तंजा भी कर लेते, वजू भी कर लेते और फिर सिर्फ पानी बहाते थे। इसे अबू दाऊद, तिर्मिजी, इब्ने माजा, नसाई और हाकिम ने रिवायत किया। इससे क्या पता चलता है कि इंसान उसके बाद अगर नमाज पढ़ना चाहे तो नमाज भी पढ़ सकता है। अगर मेहंदी लगी हो तो क्या वजू हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि मेहंदी रुकावट नहीं बनती पानी में। हाँ, अगर ऐसी कोई चीज आपने लगाई है कि वो छिलका बन गया और उसके ऊपर से उतर रहा है तो वो और बात है। किसी भी चीज के लगने के बाद अगर पानी उसके रेशे तक पहुंच जाए, वेट हो जाए, वो सारा धुल जाए, उसके अंदर से पानी गुजर जाए, तो कोई भी चीज मना नहीं है। हाँ, अगर कोई चीज पानी के और उस स्किन के दरमियान बैरियर बन जाए, कोटिंग ऐसी हो कि पानी स्किन को